करते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश के लाखों लाख स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम करते हैं, याद करते हैं उनके कुर्बानी को, उनके बलिदान को, जिन लोगों ने देश को आजादी दिलाने में कुर्बानी दी है, आज हम सबको याद करते हैं और सभी लोगों को सलाम करते हैं। हम लोग सब लोग यही चाहते हैं कि हमारा देश जो है आगे बढ़े, यहाँ के देश के नागरिक जो है तरक्की करें और जल्द से जल्द जो है हम सब लोग जो है इस दिशा में काम करें कि हमारा देश जो है सबसे मजबूत देश पूरे दुनिया में। पूरा देश आज आजादी के जश्न में डूबा हुआ है और आज 78वां स्वतंत्रता दिवस, और इस मौके पर देखिए पूरे देश में तिरंगा फहराया जा रहा है। जहां एक तरफ बिहार विधानसभा में भी तिरंगा फहराया गया, उसके बाद देखिए तमाम पार्टी के द्वारा भी अपने अपने कार्यालय में भी तिरंगा फहराया जाएगा। लेकिन इससे पहले देखिए राबड़ी आवास पे लालू प्रसाद यादव ने तिरंगा फहराया है, और सबसे पहले वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा के तेजस्वी यादव मौजूद थे, और वहाँ पे तमाम उनके कार्यकर्ता हो, समर्थक हो, सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे और लालू प्रसाद यादव ने तिरंगा फहराया। और इस मौके पे जब उनसे बातचीत की गई है तो वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश के लाखों लाख स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम करते हैं, याद करते हैं उनके कुर्बानी को, उनके बलिदान को, तो आपने सुना वो जो है शहीदों को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज़ादी दिलाने में जिन लोगों का योगदान रहा है वो काफ़ी आज का दिन अहम है। साथ ही जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस मौके पे क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुन। स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को हमारी शुभकामनाएं हैं, और जिन लोगों ने देश को आज़ादी दिलाने में कुर्बानी दी है आज हम सबको याद करते हैं और सभी लोगों को सलाम करते हैं। और हम लोग सब लोग यही चाहते हैं कि हमारा देश जो है आगे बढ़े, यहाँ के देश के नागरिक जो है तरक्की करें और जल्द से जल्द जो है हम सब लोग जो है इस दिशा में काम करें कि हमारा देश जो है सबसे मजबूत देश पूरे दुनिया में। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी जो है शहीदों को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं आज पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन जिन लोगों ने आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई है उनको जो है हम लोग नमन कर रहे हैं, और तभी जो है आज पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।